आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के अशोक सिंह ठाकुर हमारा चांदा और MH 34 के सौजन्य से महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना चंद्रपुर द्वारा प्रायोजित और पार्थशर समाचार के माध्यम से हम आपको 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे से चंद्रपुर की ऐतिहासिक विरासतों के बारे में बता रहे हैं। अब तक आपने भद्रावती की विसर्जन गुफाएं, चंद्रपुर की माता महाकाली मंदिर, बाबूपेट का पूर्ण शिवलिंग देवालय, बल्लारपुर का किला और चंद्रपुर का सुप्रसिद्ध जटपुरा गेट, इनके बारे में जाना। आज हम बात करेंगे ऐसे धरोहर की जो संपूर्ण महाराष्ट्र में केवल चंद्रपुर में ही है, यानी राजा वीर शाह की समाधि। एक शहंशाह के अपनी रानी की याद में बनाए दुनिया भर में मशहूर ताजमहल को हम सभी जानते हैं, पर एक रानी द्वारा अपने राजा की याद में बनाए प्रेम की धरोहर को शायद ही हम में से कोई जानता होगा। अंचलेश्वर मंदिर के परिसर में रानी हिराई ने अपने पति राजा वीर शाह की याद में 18वीं शताब्दी में एक समाधि बनवाई, जो महाराष्ट्र में अब तक की सबसे बड़ी और किसी भी रानी द्वारा अपने राजा की याद में बनाई एकमात्र समाधि है। ये समाधि अत्यंत खूबसूरत नक्काशी का अद्भुत नमूना है। रानी हिराई ने अपने पति के गुजर जाने के बाद सन 1704 से 1719 इन 15 सालों के खुद के शासनकाल के दौरान इसे बनाया था। यहाँ पर कलात्मक स्त्रियों की गोंड साम्राज्य के चिन्हों की और आकर्षक आकृतियों की पेंटिंग और मूर्तियां बनाई गई थीं। इसकी जाली, शिल्पकृति और गुंबद देखने लायक हैं। दरवाजों पर बनाई गई कमान और उसकी खूबसूरती अप्रतिम है। आश्चर्य की बात तो ये है कि बिना किसी रखरखाव के इनमें से अधिकतर कलाकृति बरकरार और अच्छी हालत में है। राजा वीर शाह की सन 1704 में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद रानी हिराई देवी ने अंचलेश्वर मंदिर के समीप विशाल समाधि तैयार करवाई। ये समाधि मुगल कालीन वास्तुकला के आधार पर तैयार की गई। इसका प्रारूप मकबरा जैसा दिखाई देता है। इतनी भव्य और विशाल समाधि सारे विदर्भ में आज तक किसी राजा महाराजा ने नहीं बनवाई है। इसके अंदर की कलाकृति और झरोखे ताजमहल के झरोखे से पूर्णतः मेल खाते हैं। अंतर बस इतना है कि ताजमहल संगमरमर से निर्मित है और वीर शाह की समाधि बालुई पत्थरों से निर्मित है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में ताजमहल बनवाया था, जबकि इस समाधि को रानी हिराई ने अपने पति वीर शाह की याद में बनवाया। अपने सुंदर कृत्यों, सूझबूझ और साहस के कारण रानी हिराई देवी चंद्रपुर के इतिहास में अमर हो गई। रानी हिराई का कार्यकाल वस्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाने लगा। उनका दत्तक पुत्र रामशाह 1719 में बालिग हुआ। व्यसक होते ही रानी ने उसे राज्य शासन की बागडोर थमा दी और स्वयं को धार्मिक कार्यों में लगा दिया। रानी की मृत्यु के बाद पुत्र रामशाह ने पिता वीरशाह की समाधि के समीप माँ हिराई देवी की समाधि तैयार करवाई और अपनी मातृ पितृ भक्ति को अमृतत्व प्रदान किया। पिछले कुछ समय से इंसान की जीवन शैली को बदल कर रख दिया है। बहती हवा सा घूमने वाला इंसान अब चार दीवारी में कैद होने को मजबूर है, और वो इंग्लिश में कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जरूरत से ही नई चीज की उत्पत्ति होती है। दुनिया में आज हर इंसान घर में बैठने को मजबूर है, फिर भी जीवन जीने के लिए कई अतावश्यक चीजों की जरूरत होती है। इंसान इन चीजों को किसी तरह चोरी छिपे पा रहा है, या फिर उसे उन चीजों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है और किसी को भी पता नहीं कि कब तक ये चलेगा।
मगर इस दौरान संपूर्ण विश्व में और भारत में एक चीज का चलन बहुत बढ़ गया है, वो है होम डिलीवरी। अत्यावश्यक सामानों की होम डिलीवरी को शासन ने भी अनुमति दे रखी है ताकि बाजार में भीड़ इकट्ठा ना हो और लोगों को घर बैठे जीवन जीने के लिए आवश्यक चीजों की उपलब्धता हो जाए। ये सिलसिला जब से राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा था तब से, यानी कि तकरीबन 1.5 साल से शुरू है। कहते हैं किसी भी इंसान की आदत बदलने के लिए या नई आदत को बनाने के लिए 21 बार या 21 घंटे या 21 दिन दोहराया जाए तो वो उस इंसान की आदत में शामिल हो जाता है। उसी तरह अब 1.5 साल से घर के भीतर जीने को मजबूर हर इंसान की आदत में हर चीज़ होम डिलीवरी के साथ उपलब्ध हो जाए, ऐसी आदत का निर्माण हो चुका है। फिलहाल मार्केट में जो सर्विसेज उपलब्ध हैं उसमें अधिकतर केवल खाने पीने की चीज़ें या कुछ दुकानों से किराने का सामान सही होम डिलीवरी लोकल मार्केट से उपलब्ध हो पाती है। इसके बाद अगर कोई चीज़ चाहिए तो लोगों को अमेज़न या स्नैपडील जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ता है, मगर इसमें दिक्कत ऐसी है कि डिलीवरी 4 दिन से 7 दिन के भीतर मिलती है और कभी कभी प्रोडक्ट की खराबी की वजह से ग्राहकों को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। मगर अब चंद्रपुर में पहली बार अलीनिया कंसल्टेंसी की ओर से एक बहुत ही अनोखी और जरूरी सर्विसेज की शुरुआत की जा रही है। डोरस्टेप सर्विसेज के नाम से इस अनोखी सेवा के तहत चंद्रपुर शहर में और आसपास के तालुका में न केवल खाने पीने की बल्कि किसी भी तरह की सेवा या उत्पाद की होम डिलीवरी पाई जा सकती है, जैसे कि किराना, सब्जी भाजी, दवाई, इलेक्ट्रिकल सामान, प्लम्बिंग सामान, स्टेशनरी, हार्डवेयर, ब्यूटी प्रोडक्ट, जनरल स्टोर्स, खिलौने, स्पेयर पार्ट्स, गिफ्ट, फ्लावर बुके इत्यादि कोई भी कानूनी रूप से मान्य प्राप्त वस्तुएं मंगवाई जा सकती हैं। इतना ही नहीं, डोर स्टेप सर्विसेज के माध्यम से प्रोडक्ट के अलावा टेक्नीशियन और बाकी सर्विसेज भी पाई जा सकती हैं, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, बिल्डर, मैकेनिक, कलाकार, ड्राइवर, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड, लेबर, मार्केटिंग प्रतिनिधि, वकील, सीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनर इत्यादि। और सर्विसेज में टैक्सी बुकिंग, प्रिंटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट परमिशन और एनओसी, पार्टी बुकिंग, कैटरिंग, टेलीमार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग इत्यादि प्रकार की सेवाएं एक फोन के माध्यम से पाई जा सकती हैं। इसकी खासियत किस प्रकार से है, इसमें रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड दोनों ही ग्राहक सेवाएं ले सकते हैं। उसी तरह से चंद्रपुर की कोई भी दुकान या व्यवसाय डोर स्टेप सर्विस के माध्यम से रजिस्टर्ड हो सकता है। रजिस्टर्ड कस्टमर के लिए अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि रजिस्टर्ड कस्टमर को प्राथमिकता के साथ सेवा दी जाएगी, उन्हें एक बिजनेस गाइड दी जाएगी, हर डिलीवरी पर डिस्काउंट दिया जाएगा, पहली 5 सर्विसेज फ्री दी जाएंगी, एक रजिस्ट्रेशन मुफ्त दिया जाएगा और सबसे बड़ी बात, कैश ऑन डिलीवरी की 1,000 रुपए की क्रेडिट दी जाएगी। बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने पर डोर स्टेप सर्विस के माध्यम से बिजनेस वालों को ग्राहक दिए जाएंगे और उनके उत्पाद या सेवा की होम डिलीवरी की जाएगी, जिससे इस कठिन परिस्थितियों में भी व्यवसाय चलने की उम्मीद बन जाएगी। 9 मई से ये सेवा की शुरुआत होनी है, इसलिए डोर स्टेप सर्विस की ओर से चंद्रपुर के रहवासियों को और व्यवसाय वालों को जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करने के लिए आह्वान किया गया। इच्छुक ग्राहक या व्यवसाय रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैभव से 7972529436 पर संपर्क कर सकते हैं। नासिक और विरार अस्पतालों में दुर्घटनाओं के बाद अब ठाणे जिले में भी दुर्घटनाएं हुई हैं। मुमराकोसा के प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह लगभग 4 बजे आग लगी। आग की सूचना मिलते ही अग्निशामक दल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। प्रारंभिक सूचना है कि आग अस्पताल की पहली मंजिल पर लगी। आग लगने पर अस्पताल में कुल 26 मरीज थे, उनमें से 6 का गहन चिकित्सा इकाई में इलाज चल रहा है। आग लगने के बाद 26 मरीजों को निकाला गया। आईसीयू से 6 मरीजों को बिलाल अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, इनमें से 4 की इलाज के दौरान मौत हो गई है। मृत मरीजों में 2 महिलाएं शामिल हैं। ठाणे नगर निगम ने सूचित किया है कि वास्तव में आग कैसे लगी अभी तक समझ में नहीं आया है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार को 5 लाख और जख्मी को 1 लाख रुपए देने के ऐलान के साथ मामले की जांच के भी आदेश दे दिए हैं। ऐसी जानकारी मंत्री जितेंद्र आव्हाड़ ने घटना स्थल पर दी है। कौशामध्ये असलेल्या प्राईम हॉस्पिटलमध्ये शॉर्ट सर्किट झालेलं आहे। त्या शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली। एकंदर 17 पेशंट होते, त्याच्यातले 3 जण मृत्यूमुखी पडल्याचे प्राथमिक अंदाज आहे। बाकीचं कशामुळे आग लागली, का आग लागली, ही चौकशी समिती नेमून त्याची चौकशी केली जाईल। मृतांना
प्रत्येकी 5 लाख रुपये देण्याचा आदेश माननीय मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे। त्याप्रमाणे 5 लाख रुपये दिले जातील। जखमींनाही 1-1 लाख रुपये दिले जातील। पण प्रामुख्याने ही घटना का कशी घडली का घडली याचे मागचे कारण काय आहे हे म्युनिसिपालिटीचे अधिकारी पोलीस अधिकारी आणि डॉक्टर यांची संयुक्त समिती म्हणून चौकशी करून। विधायक संजय राठौड़ की सहज पहल से शिवसेना ने आज यवतमाल के वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल अस्पताल में पूर्व मंत्री संजय राठौड़ और जिला शिवसेना द्वारा फीवर ओपीडी में मरीजों के लिए जांच ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अपने खर्च पर उपलब्ध कराया है, क्योंकि ये देखा गया है कि फीवर ओपीडी में रिपोर्ट आने तक का या अस्पताल के बिस्तर पर होने तक ऑक्सीजन की कमी के कारण रोगी की हालत बिगड़ जाती है। पिछले कोरोना वेव के दौरान विधायक संजय राठौड़ ने हजारों जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन वितरित किया। यवतमाल जिले के लोगों को वित्तीय सहायता दी जो राज्य और शहर के बाहर फंसे थे। नगरपालिका और पुलिस को मुफ्त सैनिटाइजर मास्क और साबुन दिए थे। वसंतराव नाइक शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय द्वारा इस अवसर पर वसंतराव नाइक वैद्यकीय महाविद्यालय के प्रभारी अधिष्ठाता डॉक्टर गवारले, कोविड विभाग प्रमुख डॉक्टर जतकर, डॉक्टर मानकर, डॉक्टर हिवरकर, डॉक्टर राठौर, राउत सिस्टर प्रतिभा वानखेड़े सिस्टर उपस्थित थे। और शिवसेना के जिला परिषद अध्यक्ष कलिंदा यशवंत पवार, नगर परिषद अध्यक्षा कांचन ताई, बाला साहेब चौधरी, शिवसेना जिला प्रमुख पराग पिंगले, जिला परिषद सभापति श्रीधर मोहड, विजय राठौड़, उप जिला प्रमुख गजानन रुमाले, यशवंत पवार, शासकीय वैद्यकीय रुग्णालय अभ्यागत मंडल सदस्य विकास क्षीरसागर, डॉक्टर महेश चौहान, सागर ताईपुरी, युवा सेना जिला प्रमुख विशाल गणात्रा, आरोग्य सेवा समिति सेवक रवि जाधव, बजरंग बायस्कर, अमित निघोट, सुवासिक खड़से, मनोज दातार आदि उपस्थित थे।